सही बरगछर दृश्यमान हेउथुबा तीनोटी रास्ता तीनोटी गाँ को जाए रामगढ़ सूरजगढ़ प्रतापगढ़। दिने मध्यरात्रि समस्त गाँ शांति रे सोइछि। हठात रामगढ़ गाँव रा एक घर भयंकर चित्कार शुणा को मिलला। से ही घरे मालिक एवं मालिनी रुहंती। से ही चित्कार शुणी समस्ते से ही घर कबाट खोलिकी देखिले। मालिनी देहरे भूत लगी सारी खोला केसरी से बसिकी झुलु थाए। मालिनी कौन है मालिनी? आसो दुई लोक तांकर हाथ धरो आ तांकर पाद धरी तांकु मार्तंड स्वामी पाखरु नै जिबा। से माने मालिनी को उठेकी घर बाहर को आनिले। माते छाड़ी दियो नहले मु एही गां को ध्वंस कर देबी, मु समस्त को हत्या कर देबी। कोनसी हाल रे एहा को छाड़ीबो नाही। जदि तुमे छाड़ीबो नाही ताहले मु तव चारि जन को हत्या कर देबी। शीघ्र आसो एहा औचि मार्तंड स्वामी को घर, चलो आसो। ए माते छाड़ी दियो छाड़ा। मालिनी से ही घर को जीवा को चाहू नथिला, तेणु बहुत जोरे पाटी करी से हाथ धरी थिबा दुही को फिंगी देला। पाद धरी थिबा दुईटी व्यक्ति को गोईठा मारी मारी देला। आकाश रे उड़ेकी एही चारटी लोकों को भयंकर रूप रे हत्या करिला। से ही ग्रामवासी को मध्य गोटी हाथ रे उठाईकी पवन रे उड़ू थाए। तीनोटी गाँव रो मिलन स्तर रे से सिही बरगछर डाळरे तांको फांसी करी हत्या करी देला। मालिनी निजे दौड़ी जाए पोखरी रे पड़ी मरीगला। तीनी गांव मुख्य ग्रामवासी मार्तंड स्वामी को घर को आसी। मार्तंड स्वामी गत काली जहां है जी सेटा भाभी हमको भय लागुची। ओए स्वामी तुमको हमको बचेबा को हेबो। आमे प्रति रात्रि भय पाउ स्वामी। मु एवं मो पत्नी सुनीता आज गुटे महान यज्ञ करिबु जहाँ समाप्त हेबा मात्र रे आम गाँव को से भूत रु रक्षा मिलवा। भयभीत हो ना गाँव समस्त लोक मार्तंड स्वामी यज्ञ देखा आसती। सुनीता से थाने तीनोटी थैली रखा अच्छी जेते बड़े मु कहिबी सेते बड़े एहाकु एठी डालिबो। ओम होम ट्रीम फट। सुनीता से प्रथम थैली को एई थाने ढालो। हाँ स्वामी। मंत्र बालिका तंत्र मालिका फट। ओम फट ड्रीम जट फट। सुनीता से द्वितीय थैली को एई थाने ढालो। हाँ स्वामी। एहा होची शेष मुहूर्त केई भय करिबो नाही। मु मो तंत्र शक्ति रे एही भूत को एही हवन रे जले की भस्म करि देबी। देखंतु ओम जट फट अश्विबंधन होम फट। सुनीता से तृतीय थैली को डालो। ओम त्रिम जम गम फट। सुनीता शीघ्र करो। कौन रखिबि रे कौन रखिबि रे तुम्हें मत मारिब प्रथमे निजक तो बंचा। सुनीता असी मार्तंड स्वामी को हाथ रे उठाई की यज्ञ कुंड रे बसी दुई हाथ रे मार्तंड स्वामी को धरी देला। तुम्हें मोठारो मुक्ति पाइबा को चाहो छ तुम पक्षे या संभव नुहे। तुमको मारी देबी तुम समस्त को मारिबि तुम्हें जानी छ मुखे। एही परि मार्तंड स्वामी एवं सुनीता को चढ़ई मारी देला। तीनोटी गाँव मध्यरे अवस्थित बरगछ उपरे बसिकी भूत भयंकर रूपरे हसिला। ए सबु देखी ग्रामवासी बहुत डरी गले। सूरजगढ़ रे समस्ते गाँव मुखियांक निकट को आसी। आमे बहुत भयभीत छु आमो गाँव को से भूत तरु रक्षा करो। मु मो जड़ो तांत्रिक बंधु को डाखी की आनी भी भय करो नाही। सूरजगढ़ गाँव रो मुखिया ता संग तांत्रिक भाई बीजापुर गला। देशवर रक्षा करो भय करो नाही। कोनो हैला मुक्तेशन को सब कुछ कहबा परे एही थैली रे मंत्र रो जिनीस अछि एहा को बांधिबा परे भूत कहा को किछि करि पारिबोनी। जाओ समस्त को बांधो आउ रक्षा करो। ए शक्ति को शेष करिबा पाए हवन करी मु से राख को लेकी आसीबी। सूरजगढ़ गांव मुखिया एवं तांको बंधु मंत्र शक्ति ताबिज नै सूरजगढ़ को फेरिबा बाटरी तांको एक बरगछ सामना रे झियोटी को देखिबा को पाइले। तुमे बिरजुंग को जियो कोमल की? हां एई ठाणे कोनो करूछो? चालो एई ठाणो प्रथम तुमे तुमो हाथ तो दियो ताबिज बांधिबी। ठीक अछि एहा को बांधो एहा को मध्य एही हाथ रे बांधो
कोमल दुई हातरे ताबिज बांधिला आउ जोरे हसिला तांको गळा धरी तांको तळे पकाई देला आउ छातीरे बसि पडिला। एही ताबिज प्रथमे तमे बांध तुमे कोन भूली जाउचो ओ रो 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 मु बांधौची। कोमल ता हातरे गोटी ताबिज बांधिकी सेही ताबिज सहित एवं गोटिए परे गोटिए गंठी बांधिला सेही ताबिज सहित तांको बर गछरे उल्टा लटकेइ देला। तुमे एही ताबिज द्वारा मोठो मुक्ति पाई परिबो कि मु वर्तमान तमो को हत्या करि देबे। कोमल चित्कार सुनिकी तीन गाँव रोक मैंने जंक्शन निकटने बरगछ निकट को पहुंची गले उल्टा झुरु थी देख समस्ते भयभीत हो गले। कोमल से ही ताबिज डोरी रे तांकर बेक को बांधी तांको मारी देला। मो ठारु मुक्ति पाइबा तम ठारे संभव नुहे मु समस्त को हत्या करबी तमे जानो कि मु किए को तमे किए मु जणे स्कूल शिक्षक मते सूरजगढ़ गांव को स्थानांतर करा जायथिला। चालीबा समय रे मु खसी पड़ी काधरे पड़ी गेली मु कोनोसी प्रकारे उठिली आउ गांव को असुथिली। मु बरगछे निकट रे तीनोटी रास्ता देखिली केऊ पथरे जीवी मु बुझी पारिली नाही। सेही समय रे मु एक झियो पिला को देखली मु तांकु देखी पछरु डाकिला बेले तांको पिता दुरुरु दौड़ी आसिले एवं शिशुचोर कही से मते एक बरगछरे बांधी देले। से ग्रामवासी को डाकिले मो कथा न सुनी तिनी ग्रामवासी मते पत्थर फिंगी अति निर्मम भाव रे हत्या करि देले। तापरे मु गोटे भूत हो गली छाड़ी भी नहीं मारी देवी समस्त को मैं ये तीनोटी गाँव लोक को हत्या करी। समस्ते भयभीत हो निज निज घर को दौड़ी चली गले। पर दिन जेतेबेले प्रतापगढ़ लोक माने समस्ते गाँ छाड़ी जाउथिले सेतेबेले जणे ग्रामवासी माधव समस्त को अटकाई भयभीत हई पड़ेले समस्या रे समाधान नहीं हेबो। माधव तुम्हें हमो साथी चालो भूत तुमको छाड़ीबो नहीं। मु भय नहीं करे मु देखिबी से केमिति एई ठाणे आसिबो। माधव को कथा को अनदेखा करी समस्ते बरगछ निकट को गले। रुको तुम एई बरगछ रे भय पाउना मु एभे यहाँ को काटिबी तुम भय को दूर करिबी। अनीता मते से कुल्हाड़ी दियो। माधव कुल्हाड़ी उठाई प्रहार करबा समय रे माधव एमिति डाको सुना गला माधव तेई कुल्हाड़ी टी मते दिया तुमको कहली ना यहाँ को दियो। बिना भय रे माधव दुईटी शाखा काटी देला। समस्त ग्रामवासी देखु थिले जंत्रणा भोगुथवा समय रे काट नहीं दया करे काट नहीं केवल गच्छ काटिबा मोर समाप्त हेबो नहीं रही जा गच्छ काटिबा बंद कर। सेही भूतर कथा न सुनी कटा शाखा उपरे तेल पकेई जाली पड़ी देले। भूत अधिक जोरे चित्कार करे भूत अधिक जोरे चित्कार कला भूत माधव को आकाश रे उठाई कुराड़ी रे खंड करे से खंड टी को ग्रामवासी को ऊपर को फोपाड़ी देला। से ही रक्त को मुहरे लगाई जोरे चित्कार करबा को लागिला मु समस्त घर हत्या कर देबी। भयरु प्रतापगढ़ रे समस्त ग्रामवासी गाँव रु पलायन करछंती। सेतेबेले मुक्तेश्वर सूरजगढ़ रे प्रवेश कले। आसंतु तुम्हें गोटे महान तांत्रिक आम रक्षा करो से भूत तोर कारण रे आमको गाँ छाड़ पड़ो रक्षा करो। मुखिया जी जेबे तुम सांग मो पाखे आसिला सेते बेले मु कही थिली कि मु तुम गाँव रो रक्षा करबा को आसिबी कहंती से भूत कोठी अछि से तीनोटी गाँव रो पाखरे बरगछ पाखे चालंतु आमे सबे मिली की से बरगछ पाखरे जीबा। समस्त ग्रामवासी से ही बरगछ निकट रे पहुंचले। जेतेबेले मुक्तेश्वर किछि मंत्र पाठ करिले प्रबल पवन वर्षा समस्त ग्रामवासी भयभीत थिले। मंत्र द्वारा जंत्रणा हेउथुबा कारणरु भूत मुक्तेश्वरक सामनारे प्रकट हेले। समस्त ग्रामवासी इहा देखी भयभीत होइगले किंतु मुक्तेश्वर बिना भयरे मंत्र पाठ करिले। कृष्णम माये क्रीड्याम फट आवाहम वसम क्रीम रम फट ओम ऐम त्रीम जम फट। मुक्तेश्वर मंत्र जल को भूत मुहरे फोपाड़ी देले।
ଭୂତ ତା ହାତରେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ପାଣି ପୋଛିଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଜାଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିକା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦବାଇ ଏହା ଉପରେ ଯଜ୍ଞର ପାଉଁଶ ଛିଞ୍ଚି ତର୍ପଣରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏହି ଭୂତକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନେଇଛି, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମତ ଶକ୍ତିର କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ, ତମ ଉପରେ ଦେବତାର କୃପା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଳପତ୍ର ଆଉ ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବାହାର କର। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖା ହେବା ଅନୁସାର ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନେଇକି ସେ ଭୂତକୁ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଯାଆନ୍ତି, ଏହା କଥା ତୁମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ। ଭୂତ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଭୂତକୁ ବାହାର କଲେ। ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଧରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ସେହି ତ୍ରିଶୂଳ ସହିତ ଭୂତର ଗଳାକୁ ଆଘାତ କରିଦେଲେ। ସେହି ତ୍ରିଶୂଳର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ସେହି ଭୂତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ କ୍ଷେତରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଧା ଜଳିଥିବା ପାଉଁଶ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ କେହି ପାଉଁଶ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସବେ ଆସନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କର, ଭୂତ ଏବେ ସେଇଠାରେ ଅଛି।